नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में लॉकडाउन और सुपर साइक्लोन के बावजूद बुलंद है अपराधियों का मनोबल। ताजा मामला है गोलमोरी थाना क्षेत्र के गोलमोरी बाजार का, जहां एक व्यापारी पर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग। सुपर साइक्लोन अम्फान का झारखंड में भी दिखने लगा है असर। जिले के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान की रफ्तार है 240 किलोमीटर प्रति घंटे। चौथे लॉकडाउन में समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आए बैंक सेक्टर। सामाजिक संस्थानों के बाद बैंक सेक्टर के लोग कर रहे हैं जरूरतमंदों की सेवा। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में लॉकडाउन और भीषण आंधी तूफान के बीच भी अपराधी अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला गोलमोरी थाना क्षेत्र का है, जहां गोलमोरी बाजार के एक व्यापारी पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की। बताया जाता है कि रोज की तरह व्यापारी मनीष अग्रवाल सुबह अपने दुकान पर पहुंचे थे। दोपहर के वक्त बाइक सवार दो अपराधी उनके दुकान के पास पहुंचे और उनके दुकान पर फायरिंग कर दी। हालांकि अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए और गोली दुकान के शटर पर जाकर लगी। दो गोली चलने की सूचना मिली है। घटना के बाद अपराधी मौके से भागने में सफल रहे। इस घटना से क्षेत्र के व्यापारियों में हड़कंप मच गई है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर सिटी डीएसपी अनुदीप सिंह दलबल के साथ पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। व्यापारी के अनुसार वे अपराधियों को पहचान नहीं पाए हैं। वैसे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दोबारा एक बार फिर हुआ था तो आया था चिंता के साथ मान लीजिए स्पॉट नहीं पड़ा गया। अभी डेढ़ मिनट दोनों पहली बात तुम देखे नहीं हो, टाइगर मोबाइल देखे पता ना हम कहाँ देखे इतना स्पीड में आया चला गया। एक ही लोग आया और बाइकों में होगा जबरदस्त जो फायरिंग हुआ है तो उसी की जांच में हम लोग आए हुए हैं। अभी जैसा लोग बताए थे कि दो राउंड का सूचना मिला था उसी में हम लोग आए हुए हैं। पूरा जाँच कर रहे हैं, उसके बाद टोटल ब्रीफिंग करते हैं। अम्फान सुपर साइक्लोन अब झारखंड में प्रवेश कर चुका है। झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा, घाटशिला और पटंदा सहित सरायकेला एवं आसपास के इलाकों में तूफान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। जोरदार आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान का 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। माना जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से अब तक उठे तूफान में सबसे ज्यादा रफ्तार इसी तूफान का है। उधर जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने का आदेश दे दिया है। वैसे नेशनल हाईवे 33 पर भी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। हवा की तेज गति के कारण बड़ी घटना घट सकती है, उसको देखते हुए फूस के मकान में रहने वाले लोगों को पक्के मकान में शिफ्ट कर दिया गया है। रात से ही बूंदाबूंदी बारिश शुरू हो गई थी। सुबह होते ही तूफान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उधर मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि झारखंड के 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होगी। फिलहाल लॉकडाउन के कारण लोग अपने अपने घरों में ही हैं, लेकिन दूसरी मार साइक्लोन का शुरू हो चुका है। लोगों के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन प्रवासी मजदूरों को होगा जो इस महामारी के काल में पैदल चलकर अपने वतन वापस आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में तूफान अम्फान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बारिश रात के करीब 12 बजे से स्टार्ट हुई है और इससे हम लोग को काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। दिक्कत यह है कि एक तरफ कोरोना के कहर हमारे देश के काफ़ी मजदूर जो एनएच पे पैदल चल रहे हैं उनके ऊपर इस अम्फान तूफान का क्या असर पड़ रहा होगा ये हमारी सरकार तक पहुँचाना या सरकार को जानने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका है और चौथे लॉकडाउन में भी समाज सेवा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अब सामाजिक संस्थानों के बाद बैंक सेक्टर के लोग मानवता की सेवा के लिए खुलकर सामने आ गए हैं।
शहर के SBI बैंक द्वारा गरीबों को भोजन दिया जा रहा है। वैसे ये भोजन सामग्री रेड क्रॉस सोसाइटी को सुपुर्द कर दिया गया है और रेड क्रॉस सोसाइटी उन गरीबों तक भोजन सामग्री पहुंचाएगी जिसके पास खाने के दो वक्त की रोटी नहीं है। साथ ही SBI बैंक ने रेड क्रॉस सोसाइटी को थर्मल स्कैनर भी डोनेट किया है। वैसे ये 17 थर्मल स्कैनर सभी थाने को भी दिया गया है। हालांकि वितरण की जिम्मेवारी जमशेदपुर SDO को मिली है, यानी कोरोना वायरस पर हम जीत कैसे हासिल करें इसको लेकर सामाजिक संस्थाएं, सरकार और कंपनियां तो आगे थी ही, अब बैंकिंग सेक्टर भी सेवा में खुलकर सामने आ गई है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जमशेदपुर की तरफ से उनके चीफ मैनेजर, उनके रीजनल मैनेजर आए थे। उन्होंने हमारे जो रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट हैं SDO चंदन कुमार जी, उनको हैंडओवर किया। ये सारा 200 पैकेट फूड पैकेट्स और इसके बाद क्या स्कैनर उसको बोलते थर्मल स्कैनर भी 20 उन्होंने दिया। SDO साहब को प्रेजेंट किया और SDO साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को हर थाने में एक एक थर्मल स्कैनर कैनर रखने के लिए अरविंद कुमार जो DSP CCR हैं उनको बुला करके उनको हैंडओवर कर दिया। तो ये इस तरह से और भी कई बैंकों ने हम लोगों को कहा है कि हम लोग इस तरह से सहयोग करेंगे। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत चेक नाके के पास दो लोगों को पुलिस ने प्रतिबंधित मास्क के साथ धर दबोचा, जहां पुलिस द्वारा गिरफ्तार लोगों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहां जांच के दौरान दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोलमोरी निवासी सरफुद्दीन नाम का व्यक्ति कवाली से व सुनारी निवासी श्यामू मुर्मू हल्दी पोखर से अपने अपने वाहनों पर प्रतिबंधित मास्क को लेकर जमशेदपुर में बेचने के लिए आ रहे थे, जहां दोनों को पुलिस ने प्रतिबंधित मास्क वाहन समेत सुंदरनगर चेक नाके पर धर दबोचा। जानकारी देते हुए सुंदरनगर थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि दोनों लोगों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पर वाहन चेकिंग कराया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान दो स्कूटी आए जिसे रोकाया गया तो भागने का प्रयास किया गया। बल द्वारा जो है उसे रोका गया और रोकने के उपरांत उसे चेक किया गया तो दोनों स्कूटी पर जो है से प्रतिबंधित मास्क लगा हुआ पाया गया। वो दोनों व्यक्ति से पूछने पर एक व्यक्ति ने बताया कि कोहाली थाना से तरफ से क्षेत्र से ले आ रहे थे, एक ने बताया कि हल्दी पोखर से गोलमुड़ी, एक गोलमुड़ी के रहने वाले हैं और दूसरा जो है से सुना विधि संगत जो है तैयार लौट करके। राज्य सरकार ने बुधवार से पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी है, जहां अनुमति मिलते ही शराब विक्रेताओं द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठानों को खोलकर शराब की बिक्री शुरू कर दी गई है। दुकानों में भीड़ न हो इसे ध्यान में रखते हुए शराब विक्रेताओं द्वारा सारे इंतजाम किए गए थे ताकि ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि शहर के इक्का दुक्का शराब दुकानों में ही ग्राहकों की भीड़ देखी गई और सारी दुकानों में भीड़ नहीं के बराबर थी। इस संबंध में शराब विक्रेता विनय कुमार ने बताया कि मौसम की वजह से भी कुछ खास भीड़ नहीं है, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसके लिए ग्राहकों को 2-2 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग का पूरा सहयोग विक्रेताओं को दिया जा रहा है। दो दो मीटर पे घेरा है, सब लोग उसका पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है सबका, उसके हाथों को दुकान को भी सैनिटाइज किया गया है। उसके बाद हाँ, प्रशासन और उत्पाद विभाग दोनों का अच्छा है। जमशेदपुर में लॉकडाउन और अम्फान तूफान के बीच भी समाज सेवी संस्थानों का हौसला लगातार बरकरार है। आंधी और तूफान के बीच आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन पहुंचाया गया। गौरतलब हो कि इनके द्वारा लगातार लॉकडाउन के शुरुआत से ही जरूरतमंदों की सेवा लगातार की जा रही है और अब अम्फान तूफान की तेज आंधी और बारिश के बीच भी इनका हौसला नहीं टूटा और शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर इनकी टीम के सदस्यों के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाया गया।
ये तो कोरोना समझ के पकड़ के रख ले। कब देते हैं इसको, क्या कब खाते हैं इसको, कब खाते हैं खाना को? ये रात के टाइम में खाते हैं इसको, रात को खाते हैं। अच्छा, दिन में? जमशेदपुर के बोड़ाम थाना पुलिस ने अपनी पत्नी को जहर देकर हत्या किए जाने के मामले में ससुराल वालों द्वारा बंधक बनाए गए आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जाता है कि बोड़ाम थाना अंतर्गत मुचीडी गांव की रहने वाली नवविवाहिता गौरी महतो को उसके पति ने पहले जहर खिला दिया, उसके बाद स्थिति बिगड़ने पर दिखावे के लिए पत्नी को टाटा मुखिया अस्पताल पहुंचाया, जहां आरोपी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। उधर मामले की सूचना मिलते ही महिला के परिवार वालों ने अस्पताल से लौटने के क्रम में ही आरोपी और उसके पिता यानी महिला के ससुर को बंधक बना लिया, जिसकी सूचना मिलते ही बोड़ाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को ससुराल वालों के चंगुल से निकालकर हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद मेडिकल जांच के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत मुचीडी ग्राम के रहने वाले हैं। मामला यह है कि कल इसकी पत्नी जो एक्सपायर कर गई ठीक ना, तो इसका घर ससुराल वाला का यही आरोप लगाया गया है कि शायद उन लोग पॉइजन डाल करके मार दिया। यही ससुराल वाले यही ना है, लड़का है, ये लड़का है और उसका ससुर पत्नी गौरी महतो मृतिका गौरी महतो कहाँ रहने वाली है, पगदा की। कल हुआ है, भागा नहीं था, ट्रीटमेंट कराने के लिए आया था। जब पॉइजन खा गई वो, इसके बाद ट्रीटमेंट के लिए आया, उसके में जो जैसे ही भर्ती किया शायद इन लोग बता रहा है, और मृत्यु चिकित्सक महोदय के द्वारा मृत्यु अभी कहाँ नहीं जा सकता है, अभी मेडिकल में जो जांच रिपोर्ट आता है फिर स्पष्ट होगा। तो फिर लोग ला रहा था, ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था, ट्रीटमेंट करके फिर वापस TMS से जैसे ही आ रहा था, उसका ससुराल वाला के बीच ही बस्ती में गाँव है, वहीं टेकअप किया, इन लोगों को बंधक भी बनाया था शायद, फिर हम लोग गए और करवा करके अपना अंडर में ले, अभी मेडिकल करा करके स्थापन कराने जा रहे हैं न्यायालय में। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।